हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके प्रोग्रामिंग। आज के वीडियो हम डिस्कस करने वाला है दिस कीवर्ड इन जावा पार्ट नंबर 5। इससे पहले हमने पार्ट 1 to 4 देखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वो वीडियो पहले देख लेना, बाद में इस वीडियो पर मूव ऑन करना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी मैं कोई भी न्यू वीडियो डालू तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब देखते हैं पार्ट नंबर 5 मीन्स यूजेस 5। तो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था यूज नंबर 4। दिस कैन बी पास एज एन आर्ग्यूमेंट इन द मेथड कॉल, मींस के नॉर्मल मेथड में आप किस तरह से दिस कीवर्ड को पास कर सकते हो। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो उसे पहले आप देख लो, बाद में इस वीडियो पर मूव ऑन करना, क्योंकि ये जो यूज नंबर 5 है वो सेम ही है, लेकिन इस वक्त हमें क्या करना है। अब तो पहले रीड कर लेते हैं यूज नंबर 5। दिस कैन बी पास एज एन आर्ग्यूमेंट इन द कंस्ट्रक्टर कॉल, मीन्स के लास्ट वीडियो में हमने नॉर्मल मेथड में दिस कीवर्ड को पास किया था एज आर्ग्यूमेंट, और आज के वीडियो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस कीवर्ड को पास करने वाले हैं। तो वो किस तरह से पॉसिबल है तो वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दिस कीवर्ड का जो 5th नंबर का जो यूज है उसका यूज क्या है। मीन्स आपको कोई भी क्लास आपके पास अवेलेबल है, मीन्स एक क्लास के जो डेटा मेंबर है उसके आप जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर है, वो आपको दूसरे क्लास में ले जाना है, तो आप कंस्ट्रक्टर थ्रू एज ए आर्ग्यूमेंट दिस कीवर्ड को पास कर सकते हो और उसे वो असाइन कर सकते हो। तो वो आपको मैं अब दिखाता हूँ, लेकिन अननेसेसरी कोड जो लास्ट वीडियो में था वो उसे मैं पहले रिमूव कर देता हूँ। इधर पहले क्लास में क्रिएट करता हूं, क्लास एबीसी, ठीक है। अब एज ए आर्ग्यूमेंट हमें कंस्ट्रक्टर कॉल करना है और दिस कीवर्ड पास करना, मींस ये जो क्लास मैंने क्रिएट किया उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे दिस कीवर्ड को पास करना, यानी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वाला। तो पहले उसका ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर देता हूँ, एबीसी ओबीजे 1 इक्वल टू न्यू एबीसी, ठीक है। अब रूल नंबर 5 क्या कहता है, मीन्स यूज नंबर 5 क्या कहता है, दिस कैन बी पास एज एन आर्ग्यूमेंट इन द कंस्ट्रक्टर कॉल, मीन्स के जब आप कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जब कॉल होता है तब आप दिस कीवर्ड को एज आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। तो इधर क्या होगा, इधर नो आर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा क्लास एबीसी का, लेकिन मुझे क्या करना है, दिस कीवर्ड को एज आर्ग्यूमेंट पास करना है, तो सिंपली हमें इधर लिख देना है दिस, ठीक है। तो मैंने लिख दिया दिस, तो ये रूल ये यूज नंबर 5 हो गया। लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा कंस्ट्रक्टर भी यूजर डिफाइन क्रिएट करना पड़ेगा विद पैरामीटर। तो इधर आ जाते हैं, एबीसी लगा देते हैं और ब्रैकेट में क्या करना पड़ेगा, इधर से हम दिस पास कर रहे हैं, तो ये जो दिस है वो क्या होगा, दिस कीवर्ड नाम का क्लास का करंट इंस्टेंस होगा। मीन्स इधर आपको दिस कीवर्ड क्लास है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर इस तरह से ओबीजे 2, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अब इधर मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली ये जो आई और नेम की जो वैल्यू होगी वो मैं सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे क्लास में आ गई है। आई इक्वल टू इस ओबीजे 2 नाम के ऑब्जेक्ट में वैल्यू आएगी, इसलिए ओबीजे 2 डॉट आई, इसको कॉपी कर लेते हैं, ओबीजे 2 डॉट नेम इधर लगा देते हैं नेम, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को मैं पहले आपको ट्रेस करके दिखाता हूं, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से कंपाइलर इसे एग्जीक्यूट करता है। पहले कोड कंपाइल हो जाएगा, उसके बाद में मेन मेथड में आएगा। तो मेन मेथड में हमने ऑब्जेक्ट किया है दिस कीवर्ड ओबीजे इक्वल टू न्यू दिस कीवर्ड। जैसे ही हम ऐसा करेंगे मीन्स एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ओबीजे नाम का, और दिस कीवर्ड क्लास है, यानी कि दिस कीवर्ड क्लास में कौन से डेटा मेंबर है वो इस ऑब्जेक्ट के इस वक्त गिने जाएंगे। आई और नेम नाम के दो डेटा मेंबर है, मींस ऑब्जेक्ट में क्या जाएगा, एक तो आई नाम का वेरिएबल उसकी वैल्यू इनिशियली 0 है क्योंकि उसमें हमने कोई भी वैल्यू नहीं डाली, और नेम में भी क्या होगा, नल होगा क्योंकि उसमें भी कोई भी वैल्यू इनिशियली हमने नहीं डाली है। इसके बाद आता है इक्वल टू करके न्यू दिस कीवर्ड और पैरामीटराइज
कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि इधर हमने दो पैरामीटर पास किए, पहला है वो इंटीजर टाइप का है, दूसरा है एस्कैप प्रोग्राम, यानी कि ऐसा कंस्ट्रक्टर कंपाइलर फाइंड करेगा दिस कीवर्ड नाम के क्लास में, तो उसे वो कंस्ट्रक्टर इधर मिल जाएगा। पहला आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप का है, सेकंड आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग टाइप का है, इधर भी पहला आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप का है, सेकंड आर्ग्यूमेंट जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, यानी कि इस आई की जो वैल्यू है उसमें क्या चला जाएगा, ये वन चला जाएगा। इस नेम में क्या जाएगा, तो उस नेम में जाएगा एस्केप प्रोग्रामिंग, ठीक है। उसके बाद आता है दिस डॉट आई इक्वल टू आई, दिस डॉट आई मीन्स ए आई, और दिस डॉट नेम मीन्स ए नेम, और ओनली आई मीन्स ए जो पैरामीटर में आई आया वो, और ओनली नेम मीन्स ए जो नेम आया वो। अब दिस डॉट आई इक्वल टू आई, तो अब आई की वैल्यू क्या है, आई में आया है नीचे से वन, ये जो वन है वो दिस डॉट आई मीन्स इस आई नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा, तो नीचे क्या है आई में कोई वैल्यू नहीं है, तो उसमें आ गई अब वन। उसके बाद में दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, तो इस नेम में क्या है, नीचे से आया है एसके प्रोग्रामिंग, तो नेम में है एसके प्रोग्रामिंग, तो दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम मीन्स इस नेम में क्या है, नल है, तो दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम मीन्स नेम में है एसके प्रोग्रामिंग, तो दिस डॉट नेम में आ जाएगा एसके प्रोग्रामिंग, ठीक है। उसके बाद में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल, ऐसा आपको एक मैसेज आएगा कॉन्सोल स्क्रीन पे। उसके बाद में एबीसी ओबीजे वन इक्वल टू मीन्स एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है एबीसी क्लास का, उसका नाम क्या है, ओबीजे वन है, ठीक है, इक्वल टू न्यू एबीसी। अब और ब्रैकेट में मैंने पास किया है धीस, धीस का मतलब क्या होगा कि ये जो धीस कीवर्ड नाम का क्लास है उसका जो करंट ऑब्जेक्ट है वो, मीन्स कुछ इस तरह से होगा न्यू एबीसी, ब्रैकेट में आएगा धीस मीन्स धीस करंट इंस्टेंट कौन सा है दिस कीवर्ड क्लास का, तो वो करंट इंस्टेंट है ओबीजे जो हमने इधर क्रिएट किया है, तो मींस वो ऑब्जेक्ट पास होगा, तो ये ऑब्जेक्ट पास होगा वो कहाँ जाएगा, मींस कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कंपाइलर पहले देखेगा एबीसी ब्रैकेट में है दिस, यानी एबीसी नाम के क्लास में ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है वो पैरामीटराइज हो और उसमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जा सके, यानी कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हो, तो इधर हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया रखा है दिस कीवर्ड ओबीजे टू, यानी कि ये जो दिस यानी कि ओबीजे जो है उसकी वैल्यू ओबीजे टू में चले जाएंगे, मीन्स दोनों रेफरेंस हो गए, मीन्स दोनों की वैल्यू सेम है, उसका मतलब होता है ओबीजे टू इक्वल टू ओबीजे, ठीक है, क्योंकि नीचे से हम पास कर रहे हैं दिस, दिस मीन्स करंट ऑब्जेक्ट है ओबीजे, वो ओबीजे डायरेक्टली चला गया ओबीजे टू में, यानी कि ओबीजे की जो डेटा मेंबर की वैल्यू है वही ओबीजे टू की होगी, ठीक है। उसके बाद में आता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई इक्वल टू ओबीजे टू डॉट आई, तो ऐसे आएगा आई इक्वल टू ओबीजे टू डॉट आई। अब ओबीजे टू का आई नाम का वेरिएबल क्या है, ओबीजे टू मीन्स हमने पास क्या किया है नीचे से हमने पास किया है ओबीजे, मीन्स ये ओबीजे का मतलब है ओबीजे टू, मीन्स ओबीजे टू डॉट आई मीन्स ओबीजे डॉट आई होगा, ठीक है, इस तरह से टू डॉट आई इज इक्वल टू होगा ओबीजे डॉट आई, मीन्स ओबीजे डॉट आई मीन्स के आई की वैल्यू क्या है, वन है, तो वन वो प्रिंट करके देगा। उसके बाद में नेम इक्वल टू ओबीजे टू डॉट नेम है, नेम इक्वल टू ओबीजे टू डॉट नेम, तो इसका भी मतलब कुछ इस तरह से होगा ओबीजे टू डॉट नेम इक्वल टू ओबीजे डॉट नेम। अब ओबीजे नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसमें नेम नाम का डेटा मेंबर है उसकी वैल्यू क्या है, एसके प्रोग्रामिंग, ठीक है, तो नेम में प्रिंट करके देगा आपको एसके प्रोग्रामिंग। ये कंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया, बाद में कर्सर फिर से इधर आ जाएगा, ये लास्ट स्टेटमेंट है इसलिए इस कंस्ट्रक्टर का भी काम खत्म हो गया और हमारा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और प्रोग्राम टर्मिनल हो गया, यानी कि इस प्रोग्राम को अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको आउटपुट में मिलेगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल आई इक्वल टू वन नेम इक्वल टू एसके प्रोग्रामिंग। तो इस प्रोग्राम को अब हम कंपाइल करते हैं जावा सी धीस कीवर्ड डॉट जावा, तो कंपाइल हो गया, अब रन करते हैं जावा धीस कीवर्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल आई इक्वल टू वन नेम इक्वल टू एसके प्रोग्रामिंग। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया उसी तरह से आपको आउटपुट मिल रहा है, तो आप देख सकते हो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल इधर है, इधर भी नोटपैड में है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल, इधर है आई इक्वल टू वन, इधर भी है आई इक्वल टू वन, नेम इक्वल टू एसके प्रोग्रामिंग, नेम इक्वल टू एसके प्रोग्रामिंग। तो इस तरह से आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हो और धीस कीवर्ड को पास कर सकते हो। अब इधर आपको ऐसे इंस्टेंट बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसे रिमूव कर दो तो भी ये डायरेक्टली इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ठीक है। तो इसे मैं कंपाइल करता हूँ, अब हम इसे रन करते हैं,
पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल, आई इक्वल टू वन, नेम इक्वल टू एसके प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, लेकिन पहला जैसा कोड मैं फिर से इधर कर देता हूँ, ओबीजे वन इक्वल टू न्यू एबीसी, ठीक है। अब ये जो आज मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, उस कोड को मैं एसके प्रोग्रामिंग नाम की एप्लीकेशन में डाल दूंगा। अभी तक आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो उसे जल्दी से डाउनलोड कर लो और 5 स्टार रेटिंग और रिव्यू भी दे दो। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।